जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। ऐसी और जानकारियाँ लेते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुबह उठकर क्या करने से कभी भी व्यक्ति गरीब नहीं होता और घर धन संपत्ति ज्ञान और खुशहाली से भर जाता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे लोग जो सुबह देर तक सोए रहते हैं, सूर्य भगवान सिर पर चढ़े हों और वो सोए रहें, घर की खिड़कियाँ दरवाजे ना खुला करें, तो उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। घर का चाहे एक सदस्य सुबह जल्दी उठकर खिड़कियाँ दरवाजे खोले, जिससे सूर्य भगवान आपके घर में प्रवेश करे। वैसे तो घर के सभी सदस्यों को सुबह 7 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। जल्दी उठने पर व्यक्ति का हर काम अच्छे ढंग से होता है और मन खुश रहता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुबह उठकर क्या करने से घर धन धान्य बुद्धि और खुशहाली से भर जाता है। घर के बच्चे तेज बुद्धि वाले डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS होते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अगर आपने गुरुओं से जो नाम ले रखा है वो लें। अगर नाम नहीं लिया तो राम राम, राधे कृष्ण, नारायण, वाहेगुरु, किसी भी नाम को सुबह उठकर आप उसका जाप करें। उसके बाद एकदम बेड से नीचे ना उतरें। अपने दोनों हाथों को खोलकर जोड़ें और एक मंत्र का उच्चारण करें। कार्ग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है कि ऊपर के भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और पूरे हाथ में नारायण का वास है। इस मंत्र को बोलने से आपके घर में लक्ष्मी आएगी और आप किसी से कोई गलत बात नहीं करेंगे जिससे किसी का दिल दुखे। और फिर हाथों को चूमें, क्योंकि इन्हीं हाथों से सारा दिन काम करना होता है, और रगड़ कर अपने नेत्रों और चेहरे पर लगाएं, जिससे आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। उसके बाद पैर जमीन पर लगाने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, फिर उठें। इसी धरती माता ने सारा दिन हमारा बोझ उठाना होता है। उसके बाद पैर जमीन पर रखें और उठकर भर पेट पानी पिएं। पानी को अगर आप रात के समय तांबे के लोटे में डाल कर रखें और उसमें हो सके तो एक चांदी का सिक्का डाल दें, तो उसमें सभी तरह की गंदगी खत्म होकर पानी और गुणकारी हो जाएगा। हम आरओ का पानी पीते हैं, पर अगर आप तांबे के लोटे से पानी पिएं तो बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होगा और बड़ी उम्र के लोगों की कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम सही होंगी। इसलिए रात को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और वो पानी पिएं, तो आप स्वस्थ और तेज बुद्धि वाले बन जाएंगे। और सुबह नहाना जरूर चाहिए। बच्चे सर्दियों में रोज़ अगर ना नहाना चाहें तो उनके मुंह हाथ पैर धोकर एक दो दिन छोड़कर भी नहलाया जा सकता है, पर घर की स्त्रियों को रोजाना जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रसोई घर में जाकर बच्चों बड़ों के लिए खाना बनाना होता है। उन्हें सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही रसोई में जाना चाहिए। जो स्त्रियां सुबह नहीं नहाती, सूरज चढ़ने के बाद 11-12 बजे नहाती हैं, उन स्त्रियों के घर में कभी भी धन संपत्ति में वृद्धि नहीं होती और घर में कोई ना कोई बीमारी आई रहती है और घर में कलेश बना रहता है। इसलिए घर की स्त्रियों को सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद सबसे पहले तांबे के लोटे से सूर्य देव को
जल चढ़ाना चाहिए। जल में गुड़ डाल लेना चाहिए जिससे पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है और घर में खुशहाली आती है। बच्चों को भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए और साथ में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बच्चों को सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में रोली डाल देनी चाहिए और बृहस्पति बार को जल में हल्दी डालकर सूर्य देव को जल देना चाहिए जिससे उनकी बुद्धि तेज होगी और पढ़ाई में अव्वल रहेंगे और लाइफ में ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के 21 नामों का जाप करें। 21 नाम इस तरह हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रह ईश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, सप्तमीसरा, तपन तापन, शुचि, सप्ताक्षावाहन, गप्सित हस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत। इन 21 नामों के जाप के बाद गायत्री मंत्र ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तेजो च न प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें और उसके बाद 15-20 मिनट उस सुबह की धूप में टहलें जिससे आप स्वस्थ और बुद्धिमान बने रहेंगे। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाकर माथा टेकें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। पौष्टिक आहार खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। जिन लोगों के घर में दादा दादी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पांव छूकर उन्हें काम पर जाना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। दादा दादी माता पिता की दुआओं से आप हर काम में सफल होते जाएंगे। ऐसे दिन की शुरुआत करें, आपके सभी ग्रह अच्छे होते जाएंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव की कृपा मिलेगी और आप लाइफ में उन्नति करते जाएंगे। धन्यवाद।